हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। फिल्म पीके की टिकट प्राइसिंग कंट्रोवर्सी को लेकर एग्जिबिटर्स और आमिर खान का फिर से कैसे हुआ आमना सामना। दिखाएंगे सलमान खान के बर्थडे पार्टी की एक्सक्लूसिव कवरेज। क्या सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ न्यू ईयर करेंगे सेलिब्रेट? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एक बार फिर कहां किया गया स्पॉट? और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर फिल्म रॉय के प्रमोशन से क्यों रहना चाहते हैं दूर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। फिल्म पीके की टिकट प्राइसिंग को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के आरोपों का जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया है जवाब। टेक अ लुक। ये तो बोला गया है बढ़ाओगे नहीं तो पिक्चर नहीं देंगे, जैसे मुझे बोला गया था। एक तो टिकट प्राइसेस जो है वो क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं होते, एग्जीबिटर्स डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात यह कि जैसी हर फिल्म की टिकट प्राइसेस हैं वैसे इसकी भी हैं। फिल्म पीके की टिकट प्राइसिंग कंट्रोवर्सी अब भी जारी है, जहां पर सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स अब भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन पर टिकट की प्राइस को बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये तो बोला गया है बढ़ाओगे नहीं तो पिक्चर नहीं देंगे, जैसे मुझे बोला गया था। वहीं पर अब राजकुमार हिरानी और आमिर खान खुलकर अपने बचाव में उतर आए हैं। कई मुझे लोगों ने कहा कि टिकटें नहीं मिल रही है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि 20-25 टिकट दो, तो मैंने कई लोगों को टिकटें खरीद के दी और मैंने 120 रुपए में टिकटें खरीदी है कहीं। तो आपके हाँ। टिकट्स मिल रही हैं और टिकट्स अच्छे प्राइस में मिल रही हैं। जो जैसा होता है, जो उनका पैटर्न होता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ शो शाम के होते हैं वहाँ कई बार बढ़ा दिए जाते हैं, कि सुबह के शो होते हैं उसमें कम रेट होते हैं वीकेंड पे। और ऑडियंसेस भी ये जानती है ये बात को कि अगर उनको पता है कि अगर वीकेंड का शाम का शो होगा वो ज़्यादा महंगा होगा, सुबह का शो वीकडेज का कम पैसों में मिलेगा। तो ये आदत मुझे नहीं थी, बल्कि क्योंकि मैं मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस नहीं हूँ। जब मैं फिल्में देखता था उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस होते नहीं थे। तो जो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है वो खूब जानती है कि कब उनको देखना है, अपने अपने हिसाब से वो तय करते हैं। वेल, आमिर खान इस टिकट प्राइसिंग कंट्रोवर्सी में अपना लॉजिक दे रहे हैं। आमिर का साफ कहना है कि ऑडियंसेस को भी अब इस बात की नॉलेज है कि टिकट कब और किस शो में सस्ती मिलेगी, और साथ ही उनका कहना है कि केवल उनकी फिल्म की प्राइसिंग इस तरह नहीं बढ़ाई गई है। मल्टीप्लेक्सेस में आपको टिकट 300 के भी मिलेंगे, 150 के भी मिलेंगे, 120 रुपए के भी मिलेंगे। सिंगल स्क्रीन्स में आपको 60 रुपए के भी मिलेंगे। तो हमारी फिल्म सिंगल स्क्रीन्स में भी है और हर मल्टीप्लेक्स में अलग अलग रेट्स में आपको मिलते हैं। अगर आप सुबह में देखें, दोपहर को देखें, शाम को देखें, सब रेट्स अलग होते हैं, जैसे आम फिल्मों के होते हैं वैसे ही इसमें भी है। वेल, एग्जिबिटर्स और आमिर खान दोनों अपने अपने पॉइंट को सही ठहराने में लगे हुए हैं। सिंगल स्क्रीन गेटी गैलेक्सी के ओनर मनोज देसाई का कहना है कि वो फ्यूचर में भी किसी फिल्म मेकर के दबाव में आकर अपने थिएटर में टिकट्स की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। आइंदा भी आप देखेंगे मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा। कोई भी पिक्चर आएगी, बड़े में बड़ी पिक्चर क्यों ना आए, इन 2015 मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे मनोज देसाई का ये जरूर कहना है कि पीके को ना लगाने की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं खुद कबूल करता हूँ ये बताते हुए आपको कि 20 से 23 लाख का नुकसान हुआ है हमें मराठा मंदिर गेटी के लिए, इसमें 2-2 वीक टोटल 4 वीक ना चला के। वेल, फिल्म पीके के मेकर्स और एग्जिबिटर्स दोनों ही अपनी अपनी लॉजिक से अपने फैसले को सही बता रहे हैं। ऐसे में अब ऑडियंसेस को खुद डिसाइड करना होगा कि उन्हें किस फिल्म को किस प्राइस पर देखना है। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। सलमान खान ने कल रात अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, और जूम ने सलमान खान के बर्थडे को एक्सक्लूसिवली कवर किया। टेक अ लुक। सलमान खान ने कल रात अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ की पार्टी ऑल नाइट। सलमान खान की इस पार्टी में उनके फैमिली मेंबर्स के साथ साथ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले पहुंचने वाले स्टार्स में शामिल थे अजय देवगन, रितेश देशमुख, सोनाक्षी एंड लव सिन्हा, करण जौहर, रणदीप हुडा, इमरान खान, हिमेश रेशमिया, सुनील शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, एली अब्राम, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड मेनी मोर। इस पार्टी को सेलिब्रिटीज ने खूब एंजॉय किया और ये पार्टी देर रात तक चलती रही। सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने पार्टी में स्पेशल इंतजाम करवा रखे थे, यानी जिन गेस्ट को सलमान के फार्म हाउस पर रुकना था वो वहां रुक सकते थे। सलमान खान की ये पार्टी रही काफी ग्रैंड और सेलिब्रिटीज ने बर्थडे पार्टी में पहुंचकर इसे काफी खास बना दिया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।
सलमान खान के 49th बर्थडे पर चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा रहा सलमान खान के लिए उनका लास्ट ईयर यानी 2014। सलमान खान का 49 बर्थडे सिर्फ उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि उनके हजारों फैंस भी आज इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान के लिए 2014 रहा है कई मायनों में खास और सलमान खान के बर्थडे के इस खास मौके पर हम इस साल की उनकी लाइफ से जुड़ी टॉप 5 हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आए हैं। हाइलाइट नंबर 1, सलमान खान और शाहरुख खान का ये हग डेफिनेटली रहा इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक। जूम के कैमरा ने सबसे पहले सलमान खान और शाहरुख खान की इस दोस्ती के अफसाने को ऑडियंस तक पहुंचाया था। सलमान और शाहरुख खान की ये दोस्ती लगभग एक महीने तक न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बनी रही और यही है इस साल की सलमान खान की लाइफ से जुड़ी सबसे बड़ी हाइलाइट। हाइलाइट नंबर 2, सलमान खान ने जिस अंदाज में अपनी सिस्टर अर्पिता खान की वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट किया वो इस साल की सलमान की लाइफ से जुड़ी दूसरी बड़ी हाईलाइट बन गई। सलमान खान ने पर्सनली अर्पिता की शादी के लिए ग्रैंड इंतजाम करवाया और सलमान ने पूरे बॉलीवुड को इस शादी में इनवाइट करके इस वेडिंग सेरेमनी को साल की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी बना दिया। हाईलाइट नंबर 3, सलमान खान की फिल्म्स ने भी 2014 में खूब धूम मचाई। जय हो और किक ने फिर से साबित कर दिया कि सलमान खान की बराबरी बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। सलमान खान की इन दोनों ही फिल्म्स ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। यही नहीं, किक ने तो कमाई के कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। सलमान खान की फिल्म किक साल की टॉप 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। हाईलाइट नंबर 4, सलमान खान ने भले ही अपना 49 बर्थडे सेलिब्रेट किया है लेकिन वो अभी भी बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल बैचलर हैं। ऐसे में 2014 में भी सलमान खान का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ लिंक अप किया गया लेकिन सबसे ज्यादा बस सलमान और उनकी रोमेनियन फ्रेंड लूलिया वेंटूर की स्पेशल फ्रेंडशिप ने जनरेट किया। खबर तो यहाँ तक आई कि सलमान लूलिया के साथ शादी कर सकते हैं लेकिन बाद में चलकर साफ हो गया कि भाईजान सलमान अभी भी शादी के मूड में नहीं है। वैसे अब तक लूलिया और सलमान खान के लिंक अप का चर्चा मीडिया में चल रहा है। हाइलाइट नंबर 5, 2014 में सलमान खान ने एक और माइलस्टोन हासिल किया। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की लिस्ट में सलमान खान इस साल सबसे रिच सेलिब्रिटी रहे। शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए सलमान खान ने सबसे रिच सेलिब्रिटी होने का खिताब हासिल किया। अकॉर्डिंग टू अ फोर्ब्स लिस्ट, सलमान खान ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ 244.5 करोड़, व्हाइल शाहरुख अर्न 202.4 करोड़। साफ है, भाईजान सलमान खान का जलवा हर जगह बरकरार है। वेल, सलमान खान के लिए 2014 रहा काफी स्पेशल। वी जस्ट होप 2015 भी सलमान खान के लिए रहे धमाकेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान और शाहरुख खान एक बार फिर दुनिया को अपनी गहरी दोस्ती दिखाते हुए नजर आएंगे। वेल, क्योंकि जूम को खबर मिली है कि सलमान और शाहरुख एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप भी देखिए खान्स की इस पार्टी की पूरी डिटेल्स। अगर आपको शाहरुख और सलमान की दोस्ती की ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं, तो जरा सुन लीजिए, ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर पूरी हो सकती है दुबई में। सोर्सेस की माने तो शाहरुख के साथ साथ सलमान भी दुबई जा रहे हैं। बॉलीवुड के दो बड़े खान्स दुबई में न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे और ये भी पॉसिबल है कि दोनों खान्स गले में हाथ डालकर दुबई में हो रही पार्टी में नाचते नजर आए। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शाहरुख अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाने दुबई के पाम जुमेरा में मौजूद अपने विला में जाने वाले हैं। अब सुनने में आया है कि सलमान खान अपने भाई अरबाज और सोहेल के साथ न्यू ईयर के लिए दुबई जा रहे हैं। यहाँ सलमान के भाई और भाभी भी आएंगे। कहा ये भी जा रहा है कि शाहरुख जो लैविश पार्टी थ्रो करेंगे उस पार्टी में इनविटेशन सलमान खान एंड फैमिली को भी जाएगा। तो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि सलमान नए साल का जश्न शाहरुख के साथ मनाए। आखिर हाल ही के दिनों में ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि फिर से गिले शिकवे भुलाने के बाद किस कदर दो जिस्म एक जान बन गए हैं शाहरुख सलमान। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि इस पार्टी में ऋतिक रोशन और करण जौहर भी इनवाइटेड हैं। ये पार्टी भी शाहरुख के दुबई के बंगलों में रखी जाएगी। नाउ वी वोंट बी सरप्राइज्ड अगर फॉरेन डेस्टिनेशन पर बॉलीवुड के हैवीवेट्स किंग खान एंड सलमान एक साथ 2015 को वेलकम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लव स्टोरी की चर्चा अचानक एक बार फिर से मीडिया में शुरू हो चुकी है। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं।
अनुष्का की यादों का हैंगओवर क्रिकेटर विराट कोहली के दिल दिमाग से नहीं उतर रहा। विराट जहां भी जाते हैं उन्हें अनुष्का शर्मा का साथ चाहिए होता है। हाल ही में इंग्लैंड में हुई क्रिकेट सीरीज के दौरान वहां अनुष्का शर्मा की मौजूदगी को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन लगता है विराट को अब इस तरह की कंट्रोवर्सीज की कोई परवाह नहीं है। तभी तो विराट ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के दौरान भी अनुष्का को मेलबर्न में बुला लिया है। वेल, ये पिक्चर्स मीडिया में आने की देर थी और फिर से हर कोई इन दोनों लव बर्ड्स की लव स्टोरी की बात कर रहा है। विराट के इंग्लैंड टूर पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद बीसीसीआई ने भी साफ कहा था कि उन्हें क्रिकेटर्स के गर्लफ्रेंड्स के टूर पर जाने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी विराट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेल, जो भी हो, विराट ने पब्लिकली अनुष्का के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में अब उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर कपूर फिल्म रॉय के प्रमोशन से क्यों रहना चाहते हैं दूर। रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ की शादी की न्यूज पिछले कुछ दिनों में कई बार आई है और अब जूम के हाथों इन दोनों लव बर्ड्स के रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लगी है। टेक अ लुक। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप में आए दिन कोई ना कोई नई खबर आती रहती है और अब इन दोनों लवबर्ड्स के रिलेशनशिप पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि रणबीर कपूर जल्द ही कटरीना कैफ की मॉम से ऑफिशियली कटरीना का हाथ मांगने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। रणबीर कटरीना, हु रिसेंटली मूव्ड इनटू देयर न्यू लश फ्लैट, सीम टू हैव मेड अप देयर माइंड टू मेक देयर रिलेशनशिप ऑफिशियल। And now, the latest buzz is that the Kapoor lad is all set to pop the big question. But this time, not to Katrina, but to his lady love's mother, Suzanne Turcotte in London. Zoom ne aapko haal hi mein bataya tha ki Ranbir Kapoor is saal apna New Year New York mein manane wale hai with Katrina Kaif and Ayan Mukherjee. And if rumors are to be believed, then Ranbir might just drop in at London to meet Katrina's mother. दरअसल जूम को मिली खबर के मुताबिक रणबीर कपूर इस बार ऑफिशियली कटरीना की मॉम से शादी की बात पर उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहते हैं। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपनी दो फिल्म्स पानी और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर काफी परेशान है क्योंकि इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग डेट क्लैश होने की न्यूज सामने आई थी। लेकिन क्या ये खबर पूरी तरह से सच है, आइए देखते हैं। फिल्म पीके में अपने इंप्रेसिव केमियो के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत इज गेटिंग ऑल गियर्ड अप फॉर हिज रोल इन शेखर कपूर्स मच एंटिसिपेटेड फिल्म पानी एंड नीरज पांडे'स बायोपिक ऑन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। पर कभी खबर आती है कि शेखर कपूर सुशांत सिंह की एक्टिंग स्किल से नाखुश है, तो कभी खबर आती है कि बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनने जा रही इस बायोपिक को स्टॉल कर दिया है। एंड अमिडस्ट ऑल दिस कंफ्यूजन अब खबर आई है कि इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है एंड इज गोइंग टू क्लैश एज वेल, जिसकी वजह से सुशांत अब एक नए डिलेमा में फंस गए हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत, who has a very impressive lineup of films next year, is all set to start shooting for two of the most anticipated films of his career, Pani and Dhoni. पर क्योंकि अब इन दोनों फिल्म्स के शूटिंग स्केड्यूल्स क्लैश हो रहे हैं, सुशांत has decided to start work on Shekhar Kapoor's Pani first and then work on Dhoni. इसकी एक वजह ये भी है कि कई महीनों से शेखर कपूर की फिल्म पानी किसी न किसी रीजन के कारण डिले होती आ रही है एंड नाउ सुशांत डज नॉट वांट टू डिले इट इवन फर्दर। जूम को मिली खबर के मुताबिक सुशांत ने पानी के लिए लुक टेस्ट देना भी शुरू कर दिया है। Shooting for both the films is expected to start from mid next year, while the shoot for Pani kickstarts from July 2015, and then the shoot for biopic on Dhoni is expected to start from the second half of 2015. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर रणबीर कपूर ने फैसला किया है कि वो फिल्म रॉय के प्रमोशन से दूर रहेंगे। साथ ही खबर आई है कि रणबीर फिल्म रॉय के मेकर से काफी खफा है। वेल, क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट।
फिल्म रॉय में रणबीर कपूर की प्रेजेंस से तो आप वाकिफ हैं ही, आप ये भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इस फिल्म को प्रमोट करने रणबीर आपके नजदीकी मॉल या सिनेमा घरों में आएंगे। वेल तो हम आपको बता दें कि शायद ऐसी उम्मीद पर पानी फिर सकता है। अपेरेंटली रॉय के मेकर्स रणबीर कपूर को प्रमोशंस के लिए मिनिमम लेवल पर सामने लाएंगे। रणबीर को रॉय के प्रमोशन के वक्त एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर यूज किया जाएगा। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये खबरें भी थी कि रणबीर इस बात से नाखुश हैं कि फिल्म के ट्रेलर में उन्हें काफी दिखाया गया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रणबीर का रोल काफी छोटा है और इसी वजह से रणबीर नहीं चाहते कि वो अपने फैंस को किसी भी तरह से धोखे में रखे। लिहाजा जब फिल्म के प्रमोशन शुरू होंगे तो हो सकता है कि रणबीर कपूर को सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर लाते हुए फिल्म को प्रमोट किया जाएगा। रॉय फिल्म में रणबीर के अलावा जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल भी हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। Buzz is that a biopic is being planned on the life of Neerja Banod, the 23-year-old flight attendant who saved many lives during the 1986 hijacking of an American airliner in Karachi. Aur is role ke liye apparently Sonam Kapoor ko approach kiya gaya hai. Khabron ki mane to is film ko Saivan Quadras likhenge jinhone last Mary Com likhi thi. मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को हाल ही में यशराज मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस मौके पर अमिताभ ने रिकॉल की अपनी और लेट यश चोपड़ा की जर्नी। अमिताभ हैज डिलीवर्ड हिज करियर्स ब्लॉकबस्टर्स विद द एस फिल्म मेकर लाइक दीवार, कभी कभी एंड त्रिशूल। अमिताभ इज द सेकंड रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड एंड द फर्स्ट वाज कन्फर्ड टू लता मंगेशकर लास्ट ईयर। सलमान खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल की तरह कल रात सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर रखी गई एक ग्रैंड पार्टी जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स हुए शामिल। वैसे सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद संजय दत्त भी इस पार्टी में आएंगे, लेकिन संजू बाबा यहां पर नहीं पहुंचे। सोर्सेस की माने तो करण जौहर की सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ब्रदर्स में एक्ट्रेस करीना कपूर एक आइटम नंबर करती हुई नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि करण की स्पेशल रिक्वेस्ट पर करीना ने ये सॉन्ग करने का फैसला लिया है। करण इस सॉन्ग को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज करेंगे। एसएल वर्ल्ड को हाल ही में 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और इस हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करने जूम पहुंचा जायद खान के साथ। तो चलिए देखते हैं कि एसएल वर्ल्ड की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर व्हाट्स इन स्टोर फॉर इट्स विजिटर्स। एसएल वर्ल्ड के रिसेंटली 25 इयर्स कंप्लीट हुए और इस हैप्पी मोमेंट को एसएल वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया जूम के साथ। 25 इयर्स बैक वी आर लॉन्च द प्रोडक्ट and today still we are enjoying the leadership position and solid support by my guests and visitation and the patronage by all the people, so I'm really happy. Yahan humne spot kiya Zayed Khan ko bhi, who had come here to celebrate SL World's 25 years of completion. 25 years of SL World, I mean honestly I have to tell you, when I feel here I feel like a nostalgic, I feel like I was as young as when I came here before. It's really grown and developed itself into being such a full entertainment park. Well to chaliye dekhte hain ki is special moment par what has SL World got to offer its visitors. Jinko thrill chahiye unke liye thrill rides hain. One is Top Spin, yahan se Europe tak kisi ke paas bhi nahi hai. सेकंड इज शॉर्ट एंड ऑफ टावर, 55 मीटर्स हाइट का है और दो बच्चों के राइड चॉपर कॉपर वो बोलते हैं, वो जो बच्चों के लिए टावर है एंड वो रोटेट करता है। तीन साल पहले हमने मॉन्स्टर द मिस्ट ओपन किया, दैट इज द फर्स्ट डार्क राइड ऑफ दिस कंट्री। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो सांता टाउन है। सेकंड सामने जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है ओ मुंबई, बट 10 दिन के लिए पूरा महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल हो जाएगा। दोपहर में कैरेक्टर परेड निकलेगी। सो ऐसे कंटिन्यूस 4 जनवरी तक इवेंट्स दिए हमने। Combination of a hardware plus a software is equal to SL World. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.